नमस्कार, सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं समय शुभ समय और मैं हूं संत सिंह क्रांति। 10 नवंबर 2017 को कालाष्टमी के दिन श्री काल भैरव जयंती के पावन अवसर पर मुंबई पायधुनी स्थित श्री काल भैरव मठ में आयोजित महोत्सव में हजारों भक्तों ने लिया दर्शन एवं भंडारे का लाभ। संपूर्ण जगत एवं विश्व कल्याण हेतु देव देश धर्म के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ यज्ञ। सुबह 6:30 बजे की गूंज के साथ श्री काल भैरव की हुई आरती और अर्चना। दोपहर 12:30 बजे से रात 11:30 बजे तक निर्बाध गति से भंडारा चला, जहां 1500 से भी अधिक भक्तों ने उसका लाभ प्राप्त किया। सारे दिन बच्चों, महिलाओं, पुरुषों की मंदिर प्रांगण में रही चहल पहल। शाह ग्रुप इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्ट स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। श्री काल भैरव मंदिर के मठाधीश पीर योगी श्री श्री 108 श्री भाई नाथ जी महाराज ने बताई काल भैरव के प्राकट्य की कथा एवं काल भैरव जयंती का महत्व। ये पौराणिक कथा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश में इसमें श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ करके इसमें जो जब इन लोग के आपस में हुआ तब उसमें अपना शिव जी का तीसरा आग से एक आग का गोला आया जो तीनों बर्दाश्त नहीं कर सका, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश। तब ये बोले ये सबसे श्रेष्ठ है और इनका नाम क्या रखे, इनका नाम काल है, इसको काल भैरव करके बोले। और उस खुन्नस में उसने क्या किया, ब्रह्मा जी का चौथा सिर एक करंगले के नकुंड में से उड़ा दिया। तो हम कहाँ जाओ, अभी किस तरफ जाओ, तो वो क्या बोले, आप उत्तर दिशा में जाओ, जहाँ काशी विश्वेश्वर रहेगा वहाँ आपको कोतवाल करके रहना है, ऐसा इसका वो उसका प्रकट दिन का आज का दिन का महत्व है। पहला यहाँ आके पहला समस्त जन कल्याण हेतु देव देश और धर्म करता हवन चालू किया। सुबह 3 बजे का हवन होता है और सुबह 7:30 बजे आरती होती है। तो दूसरा विषय कि इस मठ का विशेष, इस मठ को अब आज तक 1200 साल हुआ है, इस पावननाथ और पावननाथ जी की धुनी इस उसे इस यहाँ का एरिया का नाम पाव धुनी का नाम रहा है। दूसरा विषय 800 साल की समाधि है ज्वालानाथ जी का, जो पावननाथ जी का शिष्य है, और काल भैरव मठ वो लगभग 600 साल पुराना है। भक्तों का उत्साह देखने लायक था। हमने कई भक्तों को बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी आस्था का अनुभव इस तरह बताया। और उसमें यहाँ पे हम काफी सालों से आ रहे हैं, देखते हैं काफी भक्तगण सब जो भी आते हैं सब खुशी से आते हैं और अपनी भावना यहाँ प्रकट करके जाते हैं और उनको उसमें न्याय मिलता है। वर्तमान में जो गादीपति विराजमान है यहाँ पर, ये हमारे नाथ संप्रदाय की योगियों की एक परंपरा है। शाम 7 बजे संध्या आरती हुई, जहां भक्त जनों ने आरती में उत्साह से भाग लिया और श्री काल भैरव के दर्शन किए। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी क्या करेगा जो भक्त हो माकाल का। ग्राउंड रिपोर्ट शुभ समय ऑनलाइन लाइव डिजिटल न्यूज चैनल मुंबई।